हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल लर्न अबाउट यूजेज ऑफ प्लांट्स द चैप्टर इन क्लास सेकेंड एनवायरमेंटल स्टडीज। पौधों के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे ताकि इस लेसन को पढ़ने के बाद बच्चों को अलग अलग पौधों से हमें मिलने वाली सामग्री के बारे में पता चले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेबल्स की डिस्कस करते हैं। वेजिटेबल कितने तरह की होती हैं और हम उनका वेजिटेबल्स का कौन सा पार्ट कंज्यूम करते हैं। प्यारे बच्चों, आप घर पे सर्दी के मौसम में जो वेजिटेबल्स यूज़ करते हो, कैरेट, रेडिश और टर्निप, तीनों की तीनों सब्जियां सर्दी में मिलती हैं और तीनों की हम रूट्स को यूज़ करते हैं। जैसे जब हमने प्लांट ग्रो किया तो प्लांट की लीव्स ज़मीन के ऊपर आ गए, सोइल के ऊपर आ जाते हैं और जो रूट होती है कैरेट, रेडिश और टर्निप, इन तीनों की रूट को हम एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं। कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिनकी हम लीव्स को यूज़ करते हैं, स्पिनक, पालक की हम क्या पत्तियां यूज़ करते हैं, कैबेज, बंद गोभी बोलते हैं जिसको, उसकी भी पत्तियों को ये यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिंट, पुदीने की भी हम पत्तियां ही यूज़ करते हैं। पुदीना बहुत बढ़िया गर्मी में अच्छा रहता है तो उसकी के लीव्स को यूज़ किया जाता है। स्टेम होती हैं कुछ जो प्लांट होते हैं जैसे अनियन एंड पोटैटो, हम इनकी स्टेम को यूज़ करते हैं, प्लांट के इनके लीव्स ऊपर चले जाते हैं और जो स्टेम होती है उनकी हम स्टेम को यूज़ करते हैं। तो इससे आगे हम बढ़ेंगे तो फ्रूट्स हम कौन कौन से लेते हैं। आप वेरियस सॉर्ट्स ऑफ फ्रूट डेली कंज्यूम करते हो, मैंगो, ग्रेप्स, गवावा, पपाया, बनाना, तो ये सारे वो फ्रूट्स हैं जो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के विटामिंस और प्रोटीन्स देते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीरियल्स, अनाज होते हैं ये, इनमें अनाजों में हम उनके क्या यूज़ करते हैं, जो प्लांट होता है उसके सीड्स को यूज़ करते हैं जो सीरियल्स ग्रो करते हैं, जैसे राइस, वीट, मैज, हम तीनों के तीनों अनाज के सीड्स का यूज़ करते हैं और ये तीनों के तीनों प्लांट पे ही ग्रो करते हैं। इसी तरह से पल्सेस हैं, मूंग है, अरहर है, चना है, तो हम इनका क्या यूज़ करते हैं, सीड्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज नट्स, जिनको हम ड्राई फ्रूट भी बोलते हैं। डियर चिल्ड्रन, इसमें आप देखिए केसू और जिसको हम काजू बोलते हैं, आमंड, बादाम बोलते हैं, चेस्टनट, चिलगोजा बोलते हैं, पिस्केसो, हम इसको पिस्ता बोलते हैं। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जो नट्स हैं हम इनका यूज़ करते हैं फूड में, जो हमारे हेल्थ को बहुत ही साउंड बनाते हैं। नेक्स्ट है कुछ स्पाइसेस हैं, सब्जी को, वेजिटेबल को बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए हम स्पाइसेस का यूज़ करते हैं और विदाउट द यूज़ ऑफ स्पाइसेस वी डोंट हैव अ गुड टेस्ट इन द वेजिटेबल। तो कौन कौन से स्पाइसेस यूज़ करते हैं, आप आमतौर पर अपने किचन में जा कर के चेक कर सकते हैं कि मम्मी आप कौन कौन से जो मसाले हैं स्पाइसेस यूज़ करते हैं सब्जी में। तो जो सबसे प्रोमिनेंट है दैट इज़ टर्मरिक, हल्दी को बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लोव्स, लौंग होती है ये, जिसको आमतौर पर टी के अंदर भी यूज़ किया जाता है। ब्लैक पेपर काली मिर्च को बोला जाता है। चिली किसको बोलते हैं, हरी मिर्च को बोलते हैं। नेक्स्ट इज कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हमें मेडिसिन मिलती है और परफ्यूम मिलता है, मेडिसिन और परफ्यूम भी मिलता है। परफ्यूम जैसे हमें मेंथोल से मिलता है, ठीक है जी, और मेडिसिन किससे बनती है, नीम प्लांट, तुलसी प्लांट, यूकेलिप्टिस, सफेदा, अर्जुन प्लांट है। आपको पता है जैसे अर्जुन का पौधा होता है उसकी छाल और पत्तियों को काढ़ा बनाकर लेने से हाइट की हेल्थ को वो अच्छा रखता है, इसी तरह से यूकेलिप्टिस का जो हमारा प्लांट होता है जिसको सफेदा बोलते हैं वो भी मेडिसिन यूज का पौधा होता है। और नीम और तुलसी को तो आमतौर पर ही हम गाँव में, शहरों में, हर घर में यूज एज ए मेडिसिन करते हुए देखते हैं। कुछ अब ऐसे प्लांट हैं जैसे जिनसे पेपर, कागज़ बनता है, रबर बनती है और गम बनता है। तो बैम्बू ट्री से और ग्रास से, बांस के पौधे से और घास से हमारा पेपर बनता, कागज़ बनता है। रबर प्लांट से हमारा रबड़ बनता है और कीकर प्लांट से हमारा गम बनता है। इसके अलावा भी प्लांट का बहुत ही ट्रेमेंडस यूज होता है, क्योंकि प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं और एनवायरनमेंट से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर के ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर चलता है, वातावरण में हमें सांस लेने में कोई तकलीफें नहीं होती है। और पौधों के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, जैसे प्लांट्स आर यूज फॉर मेकिंग टिम्बर, फर्नीचर बनता है, आपके घरों में जो दरवाजे खिड़कियाँ और जो सोफ़ा चेयर बनी हुई है वो भी बेड बना हुआ वो किससे बनता है, टिम्बर से बनता है, लकड़ी से बनता है। कई बार हम फायर जलाने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि जो प्लांट्स हमारे लाइफ में वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इवन कुछ प्लांट्स जो फोडर बनता है, जैसे पशुओं के लिए आहार बनता है, पशुओं का चारा बनता है, वो डायरेक्टली हम प्लांट्स को यूज करते हैं। तो आई डू होप आपने प्लांट्स के बारे में सीखा, और इसको एक बार जब अपनी बुक पढ़ेंगे तो यू विल बी मोर क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ द प्लांट्स। थैंक यू वेरी मच।